तो उससे पहले वो उस एरिए का एनालिसिस करता है दैट हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया जिसको हम कैचमेंट एरिया भी कह रहे होते हैं उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर फॉर हिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इस बात के इवेल्यूएशन को इन जनरल इन नॉर्मली हम ट्रेडिंग एरिया अनालिस के तौर पर कहते हैं हर रिटेलर अपने किसी भी स्टोर को ओपन करने से पहले प्रॉपर तरीके से एक ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस ज़रूर करता है इसके क्या बेनिफिट्स हैं सबसे पहले हम इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं आपके पास सामने अगर इफ़ यू कैन सी इट तो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इसमें से कुछ जो स्पेशल पॉइंट्स थे जो की पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ आपके सामने मैंशन कर दिए हैं सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स एंड सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सो so, जब हम किसी भी एरिए का किसी भी रिटेल uh, स्टोर के ट्रेडिंग एरिया का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो कंज्यूमर के डेमोग्राफिक्स हैं या उसके सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हमें ये बात पता लग जाती है तो हम इस पोजीशन में होते हैं कि उसी के अकॉर्डिंगली कस्टमर के लिए असॉटमेंट डिज़ाइन कर सके मेरे कस्टमर का प्रोफाइल क्या है मेरे कस्टमर की बाइंग हैबिट्स क्या है मेरे कस्टमर की इनकम लेवल क्या है मेरे कस्टमर का एजुकेशन लेवल क्या है वो सारी बातें तकरीबन हम डेमोग्राफिक्स में स्टडी कर लेते हैं तो ट्रेडिंग एरिया आपको बहुत हेल्प करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सेकेंड बेनिफिट इसके पास है अपॉर्चुनिटी टू डिटर्मिन फोकस ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज आप बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि मैं किस एरिए के अंदर बिजनेस को ऑपरेट करने जा रहा हूं और मेरे पास इस एरिए में कंडक्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटीज मौजूद हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ इसी तरीके से हमारे पास थर्ड एडवांटेज है थर्ड बेनिफिट है अपॉर्चुनिटी टू व्यू मीडिया कवरेज पैटर्न्स ऑफ कोर्स जब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं या ऑपरेट करने का फैसला करते हैं सो हमें यह भी देखना है कि वहाँ पर मीडिया कवरेज पैटर्न क्या है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्योंकि मैं जो भी मीडिया टूल यूज़ करूँगा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को इंगेज करने के लिए कस्टमर को गेन करने के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पर विच मीडियम इज़ दी मोस्ट कॉमनली यूज और ईज़िली एक्सेसिबल और मोस्ट यूज मीडियम फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कुछ एरियाज़ के अंदर लट्स से केबल टेलीविजन या केबल कवरेज इज़ दी आइडियल कुछ जगहों के ऊपर इज़ दी मूवी चैनल्स स्पेसिफिकली आर द की सो फिर न्यूज़ पेपर है फिर इसके अलावा लेट से सोशल मीडिया की कवरेज उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा है सो so, हमने वो तमाम अपॉर्चुनिटीज को इवेल्यूएट करना है और जो हमें पॉसिबल है तभी जब हम ट्रेडिंग एरिया का अनालिसिस करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है असेसमेंट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एरिया ओवरलैप जब भी हम ट्रेडिंग एरिया अनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि स्टोर का कैचमेंट एरिया क्या है विच मीन्स कितने टाइम जोन्स के ऊपर कौन से कस्टमर्स मौजूद हैं और कितना एरिया ओवरलैप है इस कॉन्सेप्ट को इस बात को डिटेल्स समझाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आऊंगा सो so, लेकिन इन जनरल ट्रेडिंग एरिया अनालिस हमें हेल्प करता है वो जो ट्रेडिंग ओवरलैप्स है बिटवीन वन स्टोर एंड अनदर स्टोर उसको आइडेंटिफाई करने में नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास जो है दैट इज अ सर्टेन वेदर चेंज कम्पेटिटर विल ओपन नियर बाय जब हम ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस कर रहे होते हैं सो so उसी ड्यूरेशन में उसके वन ऑफ द बेनिफिट्स ये है कि आपको आइडिया होता है कि आज के दिन में कौन कौन से रिटेलर मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं कंपेटिटर हैं इसके अलावा वो तमाम कंपेटिटर्स चेन स्टोर्स जो कि फ्यूचर के अंदर एस्पायर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने बिजनेस को ओपन करने के हवाले से सो so, ये भी आपको ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता है इसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ आइडियल नंबर ऑफ आउटलेट्स जियोग्राफिकल वीकनेसेस तमाम तरीके से उसका एनालिसिस प्रसिस ऑफ़ दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया वो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर इस ट्रेडिंग एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ़ आउटलेट्स ओपन करने की अपॉर्चुनिटी है आपके किसी कम्पैटिटर के हर लिहाज से सो so दैट आपको पता लग जाए कि वहाँ पर आपके स्टोर्स के साथ और कितने कंपेटिटर्स आ सकते हैं या आप ख़ुद कितने नंबर ऑफ़ स्टोर्स ओपन कर सकते हैं फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बेनिफिट है की बेनिफिट में है व्यू ऑफ अदर ऑप्शन एज ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ये देखना है कि आपके कस्टमर को कैसे एक्सेस है टू द स्टोर अगर कस्टमर कैन एक्सेस एक्सेसूर स्टोर आपके स्टोर पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मौजूद है जो कि ईजीली कस्टमर आपके स्टोर आ सकता है तो इस तरह की तमाम बातें यू हैव टू सी उस ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस के पार्ट के अंदर नेक्स्ट में आपको लेकर जाता हूँ क्विकली एक व्यू देने के लिए जो मैंने बताया अभी uh, के ट्रेडिंग एरिए का अगर हम दो पर्टिकुलर लोकेशंस को इवेल्यूएट करें तो किस तरीके से नज़र आता है अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ ट्रेडिंग एरिया ऑफ वन स्टोर स्टोर वन एंड दिस इज़ ट्रेडिंग एरिया ऑफ सेकंड स्टोर आई एम राइटिंग इट हेयर एज एस टू विच मीन्स के स्टोर वन और स्टोर टू अगर आप नोटिस करें सो इन नॉर्मली इन जनरल ये किसी सर्कल के अंदर नहीं होता बट ऑफकोर्स ये ज्योग्राफिकल डिमार्केशन है ऑफ दिस स्टोर एरिया के स्टोर के सराउंडिंग में कौन कौन सा एरिया मौजूद है और इसकी बेसिस क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ दिस इज़ द स्टोर अज्यूमिंगली एट सो दिस इज टाइम जोन वन दिस इज़ टाइम जोन टू टाइम जोन थ्री टाइम जोन फोर टाइम जोन फाइव एंड टाइम जोन सिक्स एंड टाइम जोन सेवन सो वट इज़ टाइम जोन वन कितने कस्टमर ऐसे हैं जो कि 10 मिनट्स के ड्राइव टाइम के ऊपर दे कैन एक्सेस द स्टोर सो टाइम जोन वन इज़ एक्चुअली 10 मिनट्स और लेस टाइम के अंदर टाइम जोन टू इज़ बिटवीन 11 टू 20 मिनट्स ड्राइव नॉर्मल स्पीड के ऊपर टू द स्टोर एंड देन टाइम जोन थ्री इज़ 30 मिनट्स एंड देन 40 मिनट्स एंड देन 50 मिनट्स सो so, आप हमेशा इवेल्यूएट करते हैं कि मेरे स्टोर में कितने टाइम जोन से कस्टमर ट्रेवल करके आ रहे हैं मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि टाइम जोन वन टू थ्री आर द टाइम जोनस जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कस्टमर जो है वो अप्रोच करता है क्योंकि इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है वो आपके स्टोर को अप्रोच नहीं करता तो आपको जब ट्रेडिंग एरिया अनालस करना है आपको ये इवेल्यूट करना है कि मेरे टाइम जोन वन टाइम जोन टू और टाइम जोन थ्री में कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि रेलिवेंट हैं मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंगली मेरी गुड्स के अकॉर्डिंगली मेरे सर्विसेज के अकॉर्डिंगली इसी तरीके से मैंने क्विकली एक और स्टोर का भी जिसको एस टू कहा है उसकी एग्जाम्पल है तो एक और स्टोर भी अगर इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन लेट्स एफ हाईपर स्टार वॉन्ट्स टू ओपन टू स्टोर इन लाहौर और थ्री स्टोर इन लाहौर और फोर स्टोर इन लाहौर तो उसको देखना है कि कहाँ पर जाकर मेरे टाइम जोन्स ओवरलैप करते हैं बिटवीन वन स्टोर्स एंड अदर स्टोर ये जो ग्रीन एरिया शेडिड एरिया आप यहाँ देख रहे हैं ये वो ओवरलैप है normally time zone four, five or six can be overlapped हो सकते हैं between one store to another store. So in generally trading area analysis help करता है आपको ये identify करने में कि आपका store के catchment area में कितने number of customers हैं जो relevant हैं और आपका store की location दूसरे store की location से जो कि आप ही का अपना store होगा उससे कितना distant है और कितना area जो है वो ओवरलैप है और ये इस तरीके से ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस हेल्प करता है किसी भी रिटेलर को अपनी साइट आइडेंटिफिकेशन साइट लोकेशन को कस्टमर के परस्पेक्टिव में बनाने के हवाले से